हेलो दोस्तों, द किचन नमक में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए पनीर की एक झटपट सब्जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमने एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और हमें तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। आप यहाँ पे बटर या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए, हमने इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब जीरा डाला है और जीरे को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, तड़का लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 बड़े प्याज डाले हैं और हमें प्याज को अच्छे से नहीं भुनना है, हमें प्याज को आधा ही भुनना है। ये पनीर की बहुत झटपट रेसिपी है, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, मेरा दावा है आपसे। और आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया लगेगी और शानदार रेसिपी है। तो तब तक, जब तक प्याज भुन रहे हैं, हम पनीर काटेंगे। और ये अब हमने पनीर ले लिया जिसके हम छोटे छोटे स्क्वायर्स काटेंगे। हमें इस पनीर के छोटे छोटे ही पीसेस करने हैं। ये एक तरह से पनीर की भुजी भी आप कह सकते हैं, पर ये उससे थोड़ी सी अलग है। उसमें पनीर मैश होता है, इसमें मैश नहीं है और इसका एक अपना अलग फ्लेवर है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। और अब हमारी प्याज भी आप देख सकते हैं कि भुननी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो ये सबसे पहले हमने इसके अंदर हल्दी डाली और बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है। उसके बाद हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली और तेज लाल मिर्च डाली। उसके बाद हमने इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब कोरिएंडर पाउडर डाला है और नमक डाला है स्वाद अनुसार। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर हमें इसे भून लेना है मसाले को, थोड़ा सा भूनने के बाद। अब इसके अंदर हमें दही डालनी है, ये 4 चम्मच के करीब दही है। जब मसाला भून जाए, हमें दही ऐड कर देनी है इसके अंदर। और अब आप देख सकते हैं कि दही भी हमारी भुन चुकी है, दही ने भी तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर मलाई ऐड करेंगे। हमने 2 चम्मच के करीब मलाई लिया है, ये आप देख सकते हैं, और ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप थोड़ी सी खट्टी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया लगेगी आपको ये रेसिपी, आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करो। उसके बाद जब हमारी मलाई भी अच्छे से भुन जाए, आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर टोमेटो केचप डाली है, 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप है। और अब इसके अंदर हम पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। और हमें अब इसको ऐड करने के बाद मात्र 2 मिनट और पकाना है और हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई। तो आप देखिए कि अभी ये कैसे, हमें यहाँ पे गैस तेज़ रखनी है। आप देखिए कि कैसे तेल छोड़ दिया पनीर ने। और आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया है और शानदार है। हम उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी पसंद आई। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत दिख रही है ये रेसिपी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई। धन्यवाद।